नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल आर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत भैया। तो परीक्षा पे चर्चा होने वाला है, मोदी जी का कार्यक्रम है, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का यह कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रतिभाग करना है। देखिए, वेबसाइट थोड़ा हो सकता है देर से खुले, आप ट्राई करते रहे खुलेगी, तो आपको mygovernment.in पे जाना है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये पूरा खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे लॉगिन करेंगे, लॉगिन या जब करेंगे तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए, वेबसाइट स्लो चल रही है क्योंकि सब लोग इसी पे जुटे हुए हैं, तो इसका ध्यान देना होगा, ठीक है। कई बार ट्राई करना पड़ सकता है, तो अब लगे रहिएगा। देखिए, माई गवर्नमेंट पे आया, परीक्षा पे चर्चा करके, ठीक है। इसको आप खोलेंगे, नीचे आएंगे, देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि एज ए स्टूडेंट करना, एज ए पेरेंट्स, लॉग इन विथ टीचर, ये कई ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपने लॉग इन कर लिया है, जैसे हमारा देखिए इसमें लॉग इन है, हमारे नाम से नरेन नाम से लॉग इन मैंने कर लिया है। लॉग इन करना बहुत आसान है, आप अपना नंबर डालेंगे, OTP आएगा, फिर लॉग इन हो जाएगा अपने आप। फिर उसके बाद अब इसको जब खोलेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा, मतलब एज ए टीचर करना है कि एज ए स्टूडेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे नाम का लॉग इन है, एक बार लॉग इन करना बहुत ही आसान है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, देखिए लिखा है स्टूडेंट सेल्फ करके, अगर आप करते हैं तो देखिए क्या क्या कॉलम आते हैं, उस पर आपका थोड़ा सा डिटेल भरा जाएगा। तो आप उसमें अपना डिटेल भरेंगे, जिसके जो जो स्कूल का नाम कार्यक्रम, देखिए अभी ये स्लो चल रहा है क्योंकि पूरे इंडिया का कार्यक्रम है ये, और सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी सर्टिफिकेट भी मिलने का है। देखिए ये देखिए, फिर से ये लटक गया है कई कई बार, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने जब वीडियो बना रहा था तो ये लटक रहा था। तो ऐसे इसमें से आप कुछ भी करके सबमिट कर सकते हैं। फिर तो आप उसको में अपना डिटेल भरेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा नाम क्या है, मैं स्कूल नंबर क्या है, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, ये ढेर सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, ये देख लीजिए, फिर से मैं बार बार यही करके दिखा रहा हूँ कि आप सबमिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें भरना है, और बहुत ही आसान काम हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट पे बहुत लोड है और लोग लगे हुए हैं, और लोगों को टीचर्स को भी बताया गया है कि भैया अपने स्कूल के सारे बच्चों को करना है, तो लोड नहीं लेना है, क्योंकि जब तक मोबाइल से OTP नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन होने वाला नहीं है। आप सोचें कि सारे बच्चों का आप कर देंगे, नहीं तो उस ये जैसे आया पार्टिसिपेट एज ए स्टूडेंट, तो ये सारा डिटेल भरना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, सारा स्कूल नेम है, बच्चे का नाम है, मोबाइल नंबर, इसमें आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसका लास्ट में ऑप्शन है कि क्वेश्चन, प्रधानमंत्री महोदय से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप से संबंधित है, ठीक है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं, और इसमें PM से अगर सेलेक्टेड हुआ, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ, इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। पार्टिसिपेट लिखा एज ए टीचर थ्रू पार्टिसिपेट एज ए स्टूडेंट थ्रू टीचर के लिए भी ये देखिए डिटेल है, इसमें भी डिटेल आपको भरना, जब ये आप भर देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और लॉग इन कर लेंगे OTP के साथ, उससे काम सिर्फ नहीं बनने वाला। बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने तो खैर सारा खोल के देखा है कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए गार्जियन, सारा खोल के देखा कि कौन कौन से कॉलम आते हैं। तो इसमें ये देखा फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, अपना नाम, स्कूल का नाम, ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपका आगे बढ़ जाएगा मामला, ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए लॉगिन करना बहुत ईजी है, लेकिन इसमें है आप चाहे तो 10 लोगों का लॉगिन कर नहीं सकते। लॉगिन करने के लिए मोबाइल पर OTP आता है, अगर कोई हेड मास्टर चाहे कि हम बैठे बैठे सबका लॉगिन कर देंगे तो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी OTP अगर वो कोई बता देता है नंबर पे तो अलग चीज़ है, अन्यथा आप चाह रहे हैं सारे स्कूल के बच्चों का लॉगिन हो जाए, नहीं, आप केवल मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है। ये देखिए क्वेश्चन भी है, विच इज़ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म गोल, ये पूछा जाएगा आपके बारे में, 4-5 क्वेश्चन इसमें आपको टिक करके बताना, ठीक है। तो ज़्यादा लेंथी काम नहीं है, छोटा सा ही काम है, बस थोड़ा सा वेबसाइट पर दिक्कत कर रही है, तो इस वेबसाइट से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है कि वेबसाइट सही से चले, इतना दिक्कत हो सकती है। देखिए मैंने लॉगिन किया है, अपना नंबर डाला है, अभी OTP आ जाएगी, और क्योंकि मैंने पहले ही अपना लॉगिन कर रखा था तो मेरे नाम लिख के आ जाता है कि मेरा नाम ये फला फला। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं, अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार भैया।